अपने बारे में बताइए, कुछ परिचय दीजिए। सर, माय नेम इज मीरा कुमारी, आई कम फ्रॉम रोहतास डिस्ट्रिक्ट। आई हैव कम्प्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम गुलमोहर हाई स्कूल जमशेदपुर, प्रेजेंटली इन झारखंड। देर आफ्टर आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा। आई हैव ऑल्सो बीन अ प्राइमरी स्कूल टीचर इन अ प्राइवेट स्कूल इन सासाराम फॉर अ ईयर। माई हॉबीज इंक्लूड वॉचिंग इंस्पिरेशनल मूवीज एंड टीचिंग। गुड, किस विषय में आपने ग्रेजुएशन किया है? सर, जूलॉजी। जूलॉजी? यस सर। जूलॉजी या जूलॉजी? यस। जूलॉजी। सर, छह हो गया। सर, जूलॉजी में हमको बता दो कि मेंडल्स लॉ में, यस सर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया। सर, द मोस्ट primary difference that I can recall right now is that law of segregation does not have any exception. The chromosomes are independently pair up, and independent assortment is sir, it has exceptions. How simple for that, sir? Mendel jo the Austria mein ek church, yes sir, yes. उन्होंने मटर के पौधा पर एक्सपेरिमेंट किया। yes, उन्होंने कुछ अपने थ्योरी की। वो थ्योरी जो है सो हो गए। बाद में जो है 1900 जो है हुगो डी व्रीज, हुगो डी व्रीज, वो जब स्टडी कर रहे थे तो उनको मिला। yes, तब उसके आधार पर वो बोले इसको थ्योरी को पढ़े, तब ये लग रहा। yes, हम सिंपल क्वेश्चन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या? सिर्फ जहां तक मैं अभी रिकॉल कर पा रही हूँ से लोग पढ़ते हैं ना सर, कि जो एलील्स हैं वो इन सेग्रीगेट कर जाते हैं, पेयर मतलब दे फॉर्म पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम एंड सेग्रीगेट। चलिए, जितना अच्छा, ये जो जो कैरेक्टर्स थे, yes, yes. सात कैरेक्टर्स जो उन्होंने फैक्टर्स का, वो कितने क्रोमोसोम पर थे? सर, 7। अच्छा, ये बताइए सर, ये बताओ कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस भी तुमने पढ़ा होगा? यस सर। ये प्रोटीन सिंथेसिस है क्या, कैसे होता है? सर, प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन राइबोसोम्स एंड इन राइबोसोम। सर, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तुम जूलॉजी से पढ़ी हो और ये बोलोगे कि राइबोसोम का साइट है, प्रोटीन सिंथेसिस का कितना स्टेज है? सर, 3 स्टेज है सर, एक ट्रांसलेशन, एक पहले बच्चे पैदा होंगे कि पहले बच्चे की शादी होगी? पहले पैदा होंगे। पैदा होंगे तो तुम पहले बच्चे की शादी होगी? पहले सर, सर प्रोसेस जो है न्यूक्लियोलस से, सर सॉरी सर, मुझे इस पे और पढ़ने की जरूरत है। तुम बताओ कि प्रोटीन सिंथेसिस में डीएनए का डबल हेलिक्स होता है? यस सर। दोनों से आरएनए सिंथेसाइज होता है? यस सर। एक आरएनए मैसेंजर आरएनए होता है? यस सर। और दूसरा आरएनए क्या होता है, उसका यूज क्या होता है? सर, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है सर, उसी के एनालॉगस में दूसरा बनता है। ये बताओ कि रेस्पिरेशन जो ब्रेन है, यस सर, कितना स्टेज है? सर सॉरी सर, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, उसका प्रोसेस उसमें है कितना स्टेज? सर, शुड आई से द टोटल फिजियोलॉजी? की फिजियोलॉजी पूछ रहा है, रेस्पिरेशन के फिजियोलॉजी में कितने स्टेप होते हैं?
सर पहले इनहेलेशन, फिर केमिकल चेंज हो सकता है, पहले है ग्लाइकोलाइसिस, फिर सर आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस द पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स एंड कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम, सर द एसिटाइल कोएंजाइम एंटर्स इनटू द क्रेब्स साइकिल एंड देन आफ्टर क्रेब्स साइकिल इट इज द ईटीएस दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड पैलियोजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन लाइक ओल्ड रॉक्स, ओल्ड फॉसिल्स, यस सर. तो कौन सा ऐसा फॉसिल मिला, यस सर, जिससे हम बोलेंगे कि हाँ भर्ती ये जो इवॉल्व हुआ है मतलब मैमल्स वो जो है बर्ड से इवॉल्व हुआ है, पॉसिबल है सर? आर्कियोपेट्रिक्स दैट इज द बर्ड व्हिच इज अभी जो है सो ये इंडिया में वर्ल्ड का चल रहा है. यस, इसका मैस्कोट क्या है सर? आई एम नॉट कोई बात नहीं, एंथ्रोपोलॉजी इज द होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैन एंड मैनकाइंड अक्रॉस स्पेस एंड टाइम. इसमें वर्ण व्यवस्था भी पढ़ा है? हाँ सर. वर्ण व्यवस्था कैसे शुरू हुई सर? वर्ण और इसके साथ ही पहले वर्ण व्यवस्था की जाति व्यवस्था में कैसे परिवर्तित हुई? यस सर. सर वर्ण व्यवस्था अर्ली वैदिक काल में शुरू हुई और कितना वर्ष पहले ऑक्यूपेशन के बेसिस पे वर्ण व्यवस्था की स्थापना हुई. उसके बाद सर आफ्टर लेटर व्हेन लेटर वैदिक एज केम एंड द प्रेवलेंस ऑफ रिचुअल्स और ये सब जब बढ़ने लगी तो उसके बाद वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में तब्दील हो गई और उसके बाद कास्ट का फॉर्मेशन हुआ सर. और जो वर्ण व्यवस्था थी वो मूलतः ऑक्यूपेशन पे थी और कास्ट सिस्टम जो आया वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पे ज्यादा डिपेंड करती थी. तो कास्ट सिस्टम में आरक्षण की आजकल व्यवस्था? यस सर. यस सर. उसके गुण दोषों के बारे में बताइए. सॉरी सर, गुण दोषों के बारे में क्या है सर? क्यों आरक्षण व्यवस्था में लागू करना सर? अभी जो कास्ट सर्वे हुआ है सर इसके फायदे भी हैं और जातीय आरक्षण की व्यवस्था जो अपने देश में शुरू हुई. अच्छा, तो उसके गुण दोषों के बारे में, उसके क्या लाभ है, उद्देश्य क्या है उनका आरक्षण व्यवस्था लाने का, उनके लाभ क्या है, उनकी हानियां क्या है सर? उनके लाभ जहां तक मैं सोच पा रही हूँ ये पहले वहां से शुरू कीजिए. हाँ, क्यों ये व्यवस्था लागू करनी है सर? जो पिछड़े वर्ग जो पिछड़ा वर्ग ओबीसी सेक्शन जो था सर वो पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा था और उन्हें उनका रिप्रेजेंटेशन उस पैमाने पे नहीं था जितनी की उनकी आबादी थी सर. तो उसके उसी चीज़ को ये ध्यान में रखते हुए मंडल कमीशन की गठन की गई थी और रिजर्वेशन की पॉलिसी मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद ही आया था सर. मंडल कमीशन तो बाद में आया आरक्षण क्या सर? हाँ यस सर, सॉरी सर. सर आरक्षण तो पहले से ही सर एससीज और एसटीज को आरक्षण तो कॉन्स्टिट्यूशन के ही टाइम से ही मिली थी सर. और उनका मूल प्रावधान यही था कि जो पिछड़े वर्ग सेक्शंस हैं जो जिनका सोसाइटी में
उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए। रिप्रेजेंटेशन से क्या मतलब हुआ आपका? सोसाइटी में रिप्रेजेंटेशन तुम तक था? यस सर। सोसाइटी में रिप्रेजेंटेशन से आपका क्या मतलब है सर? सोसाइटी में तो सोसाइटी के अंग थे, इतना परसेंट थे उतना थे सर, उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को टारगेट करने के लिए ये उसके लिए जाती है yes. सर ये आरक्षण की आरक्षण यस सर। उससे क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, क्या बेनिफिट्स हैं उसके? सर इससे इसके लाभ ज्यादा है कि हम उन सेक्शंस को सोसाइटी में इंक्लूड, वो लोग भी अब एम्प्लॉयमेंट और कई तरह के अपने लाइवलीहुड और अपने लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाए हैं और उन्हें उचित रोजगार भी बहुत मतलब सरकारी रोजगार और अन्य तरह की सुविधाएं जो उन्हें पहले नहीं मिल पाती थी वो उन्हें मिल रही है। और अगर ये आरक्षण और ये जाति के आधार पर आरक्षण की अगर जो दोष के बारे में अगर बात करें सर, तो इसे सामाजिक समरसता में मुझे लगता है कि थोड़ा दिक्कत हो सकता है, जैसे कि सोशल हार्मनी थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन पहले की सोशल हार्मनी आज की अपेक्षा बेटर थी, आपका कहने का मतलब आरक्षण के आने के बाद से सोशल हार्मनी में पर प्रतिकूल असर पड़ा, ये आपका पता है ना? सर ये उसके दोष हो सकते हैं कि अगर हम रिजर्वेशंस या फिर जाति के आधार पर रिजर्वेशन बढ़ाएं या फिर और रिजर्वेशन को एक्सपैंड करें तो ये दिक्कत आ सकती है सर। ये EWS क्या है, आपके कैटेगरी में लिखा हुआ है जनरल EWS की, EWS का शुरू हुआ क्या है ये? यस सर, 2019 में इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस ये EWS ये नियम आई थी सर, इसमें जो 10% रिजर्वेशन दिया गया जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ द फैमिली सर, इसके इसमें तीन प्रावधान है कि 8 लाख से प्रावधान जो भी yes, तो इसके तहत जो उन लोगों को सुविधाएं दी गई yes, गुणवत्ता पर कोई इसका असर आता है क्या सर? यस सर, ये सर बहुत से परिवार में अपने आसपास ही देखती हूँ मैं, जहाँ से गांव से जिस गांव से बिलोंग करती हूँ सर, मुझे लगता है कि वहाँ पे सर बीइंग फ्रॉम द फॉरवर्ड कास्ट स्टिल देयर इज लॉट ऑफ अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ देम, सो आई थिंक इस बिल से या इस नियम से दे कैन बी बेनिफिटेड, उन्हें फायदा मिल रहा है। देखिए जो आरक्षण की आपने वो बताई है और जो आपने भी सवाल पूछा कि जनरल परफॉर्मेंस पे अब क्या असर पड़ रहा है, मुझे मालूम है बहुत सारे MBBS स्टूडेंट जो आरक्षण के आधार पर आए उनको कोर्स पूरा करने में कभी कभी 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं, वो कभी नहीं पाते, कई लोग छोड़ के चले, उसका आप प्रयास तो कर रहे हैं उनका स्तर बढ़ाने का, मगर MBBS जैसी प्रीशियस चीज का कि कितनी सीटें बर्बाद हो रही। फिर रामविलास पासवान से एक बार पूछा गया कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ये रिजर्व कैटेगरी के डॉक्टर भी निकलते हैं और बाकी आपको अगर ऑपरेशन कराना होगा आप जनरल से कराएंगे या रिजर्व से कराएंगे, क्या जवाब दिया उसे? सर आई कैन नॉट कमेंट, मुझे ये याद कमेंट नहीं करना है जानकारी, मैं अब जानकारी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, उसने कहा मैं जनरल कैटेगरी सर्जन से कहा, यस रिजर्व से नहीं कहा, यस। तो इसका मतलब ये है कि क्रेडिबिलिटी इनकी परफॉर्मेंस क्रेडिबिलिटी बहुत कम है। अच्छा जहाँ तक OBC की बात है, उन्होंने कहा कि साहब OBC की जितनी जनसंख्या है उनका रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं है सरकारी जॉब्स, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं भी लिखा है कि वो जातिवाद या ग्रुपवाद
सरकारी पदों में पॉलिटिशियन होना चाहिए। मंडल कमीशन आया, उसका पॉलिटिकल जोर हुआ और वीपी सिंह ने बिना कैबिनेट से अप्रूव कराए ये ऑर्डर जारी। अब ये हो रहा है कि कास्ट सेंसस बनेगी, तो ये मैं बता रहा हूँ, इस पर विचार करने के लिए। ये नहीं कह रहा कि आप इस उस पर यकीन करें या उस पर करें, मगर ये ऐसा विषय है जो अभी एकदम खत्म नहीं है। यस सर, चलिए आप ये बताइए मुझे कि जो आपने थोड़ा बहुत कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ा होगा, चैट जीपीटी क्या होता है? सर ये एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट जनरेटेड जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर ये सर, इससे हम जैसे कि हम हमारे काम मतलब जो भी जैसे बच्चों के होमवर्क या फिर अलग अलग सेक्टर्स में ये हमारे काम को आसान कर रहा है। आसान कर रहा है, हमारा काम भी कर दे रहा है। यस सर, जैसे हमने कहा कि पेंटिंग बनाओ, यस सर, जिसमें मीरा बैठी हुई इंटरव्यू दे रही है, यस सर, मीरा का उसमें रिपोर्ट दे दिया कि ऐसे ऐसे फीचर्स है, यस सर, तो पेंटिंग बना देगा? यस सर। सर काफी कुछ मिलती जुलती बना देगा। यस सर, जितने जितनी डिटेल में आप फीचर्स देंगे मीरा के, वो बना देगा। तो इससे एम्प्लॉयमेंट को क्या असर पड़ेगा? सर इससे बहुत सारे लोगों के जॉब्स तो डेफिनेटली अकेले चैट जीपीटी कर रहा है सर, लेकिन इसका एक ये फ़ायदा भी है कि जिस ह्यूमन कैपिटल को हम छोटे छोटे जैसे क्लर्कियल जॉब्स या फिर डेटा कलेक्टिंग डेटा सैम्पलिंग इसके लिए इसमें उनको हम व्यस्त रखते हैं सर, उन वो अपना स्किल बेटर प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं तो बेटर और बेटर अगर उनको मौका तो मिलना आसान है। सर डेफिनेटली उनके पास समय रहेगा, वो अपने स्किल्स पे काम कर सकते हैं। आज मुझे कोई कहने लगे या आज से 10 साल पहले भी मेरे से किसी ने कहा होता 20 साल पहले कि आप अपने को जीपीटी में ट्रेन करो, तो आसान नहीं आप विचार करिए जीपीटी रिलेटेड विषयों पर ट्रेनिंग करके जीपीटी में योगदान करना आसान नहीं है। और फिर क्लर्क्स हैं, बाकी कंटेंट राइटर्स yes, हैं, बाकी सब लोग वो जीपीटी के किस पहलू पे स्पेशलाइजेशन करें सोचेंगे, बल्कि जिसने इजाद किया है yes, उसी ने अमेरिकन सीनेट के सामने जाके दी कि ये ऐसा माध्यम है जिसको लगातार रेगुलेट करने की जरूरत है। यस सर, यस, ओपन एआई, ओपन एआई इसके वो थे साइंटिस्ट, सेनेट में बोले कि ये इससे नेगेटिव चीजें भी हो सकती है। यस सर, तो हम आपका इंटरव्यू खत्म करके आपको फीडबैक देते हैं कि यू हैव अ वेरी स्माइलिंग पर्सनैलिटी एंड दैट इज योर positive asset, it is your asset. So you should be going as a confident person. और आपको zoology के माहिर हैं, आपने जो सवाल पूछे हैं, तो शुरुआत में आपने जो सवाल पूछे इंटरव्यू में ध्यान से पेनड्राइव पे देखिए, सुनिएगा दोबारा और जहाँ आपको कमी लगती है उसको दूर करो। yes. दिक्कत हो आप विकिपीडिया कर सकते। yes, sir. तो आपके पूछे हुए सवाल जो है उनको मामूली सवाल पर समझ गया। yes, दूसरे टीचिंग में आपसे पूछा जाएगा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, तो इसको आप समझ गए। इट इज नॉट मियरली टीचिंग, यू हैव टू लर्न बिफोर टीचिंग। पेडागॉजी जो है टीचिंग लर्निंग की बात करती है। जनरली लोग समझते हैं कि सर थोड़ा सा इस पे एलाबोरेट कीजिए। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, आप इसमें देखिए
विकिपीडिया, क्योंकि अगली लड़की भी आ गई है, उसको भी हमें कुछ समय देना है। अच्छा, मगर ये रिकॉर्ड होता है, आपको भूल भी गई तो इसमें रिकॉर्ड है विकिपीडिया। ये विस्तृत विषय है, ऐसे नहीं कि मैंने दो वाक्यों में बता दी। सर द वो जो कैरेक्टर्स की हम बात अभी मैंने खत्म नहीं किया। सॉरी सर, आई थॉट कि तो जो दूसरी तीसरी बात ये है कि आप जो भी पढ़े छोटे छोटे नोट्स बना के उसको रिवाइज करें। अभी आपके पास टाइम है 20 तारीख को लास्ट डे है। यस, तो यू आर लकी टू गेट दैट टाइम। छोटे नोट्स बनाएंगे और बार बार रिवाइज करेंगे। कोई भी नया विषय है एक बार पढ़ने से नहीं आता, और करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट की तरह पढ़ना। फिर जो जियोपॉलिटिक्स है रोज बदल रही है। इंडिया चाइना के रिलेशंस पे आपको सीखने को, इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस पढ़ना है, इंडिया कनाडा के बीच में क्या चल रहा है, क्या समाधान है उसका, कहाँ तक बात पहुंची, दोनों कैरेक्टर के साथ ठीक है। तो एक साथ एक जनरेशन एक साथ आने के बाद भी वो सेग्रीगेट कर, ये वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डायहेब्रिड क्रॉस। डायहेब्रिड क्रॉस पे दो कैरेक्टर जो है देते हैं, तो दोनों कैरेक्टर जो है सो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट ही जाया जाते हैं। इसको डिफीट करता है लॉ ऑफ लिंकेज। जो कैरेक्टर एक क्रोमोजोम पर एक से ज्यादा था वहां पर दोनों की दूरी इतनी ज्यादा थी कि उससे उसके बीच से क्रॉसिंग ओवर 100% होता था। समझ गई बात को? अब इतना ही वो बताएंगे क्योंकि हमें अगली लड़की का भी चिंता करनी है। बाकी आप अपने किताब में पढ़िए। यस सर, ओके।